हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आपका बड़ा धन्यवाद आप हमारे इधर आए बिल्कुल सर, करने के लिए। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह। तेजेंद्र सिंह, हाँ। वैसे ज़्यादा लोग मेरे को थोड़ा बिल्लू करके भी जानते हैं। बिल्लू करके? हाँ। अच्छा, आपका गांव का नाम होगा? हाँ, गांव का नाम है बिल्लू। सरपंच भी रहा हूँ पहले, कई बार कह देते हैं बिल्लू सरपंच। बिल्लू सरपंच, यानी सरपंच रह चुके हो आप? हाँ जी, पहले सरपंच रहा हूँ। और सर घोड़ा रखते हुए कितना टाइम हो गया अपने को? घोड़ा रखते हुए पहले हमारा गाय का काम था। हाँ, घोड़ा हमारे को रखते करीबन करीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गई। और आपने स्टड फार्म का क्या नाम रख रखा है? स्टड फार्म का नाम है क्लियर स्टड फार्म। क्लियर स्टड फार्म। और घोड़ा रखते हुए आपको 8-10 साल हो गई है? हाँ जी, 8-10 साल। तो सर अभी अपने पास में फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी हैं? 3 घोड़ी हैं। एक ये आप बच्चा गुफ्ताब, बच्चा है ये ना? हाँ, मिल्क टीथ है जी। मिल्क टीथ है। तो क्या नाम रख रखा है अभी बच्चे का? गुफ्ताब। गुफ्ताब, हाँ जी। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट 64। 64 है, हाँ जी। और अगर बाप की बात करें तो? बाप काला कांटा। काला कांटा। तो काले कांटे की बात से मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, काला कांटा आपके भी पास रहा है ना? हाँ जी। तो कितने टाइम आपके पास रहा है, आप कहाँ से लेके आए थे और फिर आपने कहाँ दिया, उसके बारे में जरा डिटेल बताएं। हम काला कांटा घोड़ा सवाय सिंह चंपत से रंसी गांव से लेकर आए थे। कौन सी सन में? 14 में लेकर आए थे। 2014 में? हाँ, 2014 में। ओके, और फिर कितना टाइम आपके पास में रहा वो घोड़ा? हमारे पास 3-3.5 साल के करीब रहा। 3.5 साल, हाँ। हमारे यहाँ से गया सरजीत बैबल के पास, परमेंदर, जहाँ पे अभी परमानेंट ठिकाना बन गया है उसका। हाँ, परमानेंट ठिकाना बन गया। ठिकाना बन गया। तो भाई साहब आपने क्यों घोड़ा दिया, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे, क्योंकि घोड़ा इतना अच्छा था, इंडिया में नाम करने वाला था, जब आपके पास में घोड़ा आया तो लोगों ने आपको क्या बोला और आपने क्यों दिया आखिर घोड़ा? घोड़ा तो चलो बात ऐसे है, कुछ थोड़ा परिवार में कुछ फाइनेंशियली समझ लो, कुछ ऐसे समझ लो भी बात होगी, पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, जब घोड़ा हम लेकर आए हैं ना, जो जो घोड़े वाले हैं इन्होंने ग्रुपिज्म बनाया हुआ है सारा, हर घोड़े वाले का अपना 10-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। वो इतनी टांगे खींचते हैं, कोई नया आदमी इस लाइन में ना आ जाए, यानी कि किसी को मोटिवेट नहीं करते, डीमोटिवेट करते। डीमोटिवेट, अच्छे अच्छे, अभी मैं किसी का नाम तो चलो नहीं लेना, चलो नाम अपन को लेना भी नहीं है। हाँ, कई आदमी ऐसे थे कहते थे जी ये चंबा सूता है, बच्चा देता है, चंबे बच्चे देता है, ऐसा है ऐसा है। अब मैं वही घोड़ा काले कांटे के बारे में। हाँ, काले कांटे के और आज वहीं पे ही बेटिंग में घोड़ी लगवा के, हाँ, अपनी भरवाने जाते हैं ना। बस लोगों का ऐसा ही है, लोग किसी को नहीं चाहते भी कोई नया आदमी इस लाइन में आए या कोई अच्छा करे, प्रमोट साथ में मिलकर उसको हौसला अफजाई तो क्या करनी है, उसके बजाय उसकी टांगे खींचते। जब आप घोड़ा लेके आए होगे सवाई सिंह जी के यहाँ से, तो वैसे ही लोगों ने आना चालू कर दिया होगा आप घोड़ा देखने के लिए? घोड़ा तो प्रदीप जी बात ऐसे है, हमारा तो उसमें कोई इतना योगदान नहीं था भी हमारे कारण कोई आदमी उसे घोड़ी मेट करवाने आया हो, उसका नाम ही इतना था, वो अपने बल पे ही उसने सारा काम किया, घोड़ा ही इतने जोर में था ना। हाँ, सतपाल जौल जी ने हमारी घोड़ा लाने में जलंधर वाले ने बड़ी मदद की है। यानी वो ही आपको इस घोड़ा लाइन में लेके आए? चलो लाइन में तो हम थोड़े पहले गाय का काम करते थे, फिर कुछ मेरे बेटे को मतलब के शौक हो गया, okay। पर वहां से घोड़ा लाने में उन्होंने हमारी मदद बहुत, की है। बहुत मदद की, हाँ। है। तो सर काला कांटा आपके पास जब था कैसा था स्वभाव में? काला कांटा बड़ा अच्छा था स्वभाव में। हाँ, स्वभाव में भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की, घोड़ी मेट करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। 250 घोड़ी मेरे घर में उसने मेट की, यानी 2.5-3 साल जितने भी टाइम आपके पास रहा, हाँ। उस टाइम में उसने 225 घोड़ी मेट की, 225 घोड़ी, हाँ। तो सब कुछ डेटा आपने लिख के रखा हुआ? लिख कर रखा हुआ। कई आदमी मेरे को ऐसे भी बोला, कई आदमियों ने भी ये बोल दो आप भी मतलब के ये कांटे की बच्ची है या बच्चा है, मैंने बोला भी जब मेरे पास रिकॉर्ड है, हाँ, मेरे पास अकेली अकेली घोड़ी लिखी हुई है। अच्छा, सब घोड़ियों का रिकॉर्ड है? हाँ, सब घोड़ियों का रिकॉर्ड। अब तो चलो टाइम हो गया उसको, अब तो बच्चे सरजीत बैबल के पास है, वहाँ से उनका रिकॉर्ड वो मेंटेन रखते हैं,
तो भाई साहब कभी कभार दुख होता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती करी जिंदगी की घोड़ा देके? चलो ऐसे होता तो है, पर एक हमारे पंजाबी में कहावत है भी जब कोई चीज किसी को देनी है ना तो मतलब के खुश होकर देनी चाहिए भी, आगे उसके घर में जाकर भी कोई अच्छा काम करे, तरक्की करेगा। हाँ, बाकी जो आपका सवाल है वो तो घोड़ा देने वाला तो घोड़ा नहीं था, ये तो सब दुनिया को ही मालूम है ना। हाँ, पर फाइनेंशियली कोई आपकी प्रॉब्लम उसकी वजह से आपने झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं, मतलब के जो हकीकत है बात नहीं कभी की, जो हकीकत है वो आपने बता दी। मैं आपको पहले भी आपको मैंने बता दी थी। बाकी अभी इस घोड़े के चार पैर सफेद है ना? हाँ जी। और माथे पे पट्टा सा है ना? इसकी माँ अली बाबा ब्लड लाइन की है, वनराज की, वनराज की, वनराज घोड़ा जी। हाँ, उसकी बच्ची है। हाँ, उसकी है जी। ओके। उसने तीन बच्चे दिए हैं। तीन बच्चे? हाँ, पहला उसका बच्चा तैमूर, वो भी मार्केट में है घोड़ा। ओके। दूसरा काला जादू, जो आपके पास में ही है। हाँ, अमित ठाकुर जी के पास है। ओके। तो अब ये तीसरा है ये गुप्ता, ये अभी गहरी भाई के वहाँ शो हुआ था लुधियाने बद्दोवाल में। ओके। वहाँ पे ये सेकंड आया था, सेकंड नंबर पे आया। हाँ, मिल्क टीथ में। यानी अगर आप दांत को हो तो इसके दांत भी दिखा सकते हैं। दिखा दो एक बार। हाँ, दिखा दो भाई। हाँ ठीक है, ओके। तो यानी कि इसकी माँ ने तीन ही बच्चे पैदा किए और तीनों हीरो पैदा किए। हाँ जी, हाँ जी, तीनों। घोड़ा घुमा लो उधर पीछे से। अब एक इनका आगे भी बच्चा आ गया, काले जादू। अच्छा, का बच्चा हमारे घर में। अच्छा, काले जादू का बच्चा आ गया। हाँ। अच्छा, आपके पास में है। हाँ। तो यानी जो तैमूर है और जो काला जादू है वो आपके घर पे ही ब्रीड? हाँ, हमारे घर में ही। आपने खुद ने ब्रीड किए? हाँ, खुद ने ब्रीड किए हैं। इसके बड़े भाई हैं वो दोनों। इसके बड़े भाई हैं? हाँ। और ये तीसरे नंबर का भाई? तीसरे नंबर का। अभी तैमूर किसके पास में भाई साहब? तैमूर पहले हमारे पास थे तो अब्दुल माजिद लेकर गया था। फिर तो आपने तैमूर कितने उम्र थी जब सेल किया था? 18-19 महीने का था। और काला जादू? काला जादू दो दांत था। दो दांत था। हाँ। और आज मेरे को लगता है कि काला कांटा आपके पास से गया, वो हीरो है। तैमूर भी उसका नाम अच्छा खासा चलता है और काला जादू का भी आपके एरिया में बहुत नाम। हाँ, है। अच्छा जी। हाँ, यानी कि बहुत अच्छी ब्रीड आपने अपने घर से पैदा की है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है जी, भगवान की दया जी। और भगवान भी हर किसी को नहीं देता, ये हर किसी के बच्चे घर में अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते। आज इंडिया के अंदर इतने सारे लोग घोड़ा पालन कर रहे हैं। हाँ जी, है ना, पर किसी किसी के घर पर तो 10 साल से कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा नहीं हुआ अच्छा। ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है जी। कई बार हम अगर कोई सोच कर काम करते हैं, अच्छी घोड़ी लाते हैं, अच्छा घोड़ा भी घोलते हैं, कई बार फिर भी बात नहीं बनती है ना। हाँ, ये तो भगवान की जब कोई मेहर होनी होती है, किसी के सर पे हाथ होता है। आपके यहाँ पे जब काला कांटा था उसकी क्या फीस हुआ करती थी? उसकी फीस हमारे यहाँ जी 31,000 रुपया था। 31,000? हाँ, पर कोई आदमी मेरे को ऐसे नहीं बोल सकता भी मैंने किसी को फीस के लिए परेशान किया हो। अच्छा, फीस के लिए कभी किसी को परेशान नहीं किया? कभी किसी ने एक बार मेरे पास लड़के आ गए, बोलते हैं अंकल जी फीस भी घोड़ी भी इससे ही मेट करानी है, फीस भी 20,000 रुपया देनी है। अच्छा, मैं कहा कोई बात नहीं, कभी किसी को अगर जैसा किसी ने किया वैसा ही मान ली बात। यानी कोई फीस की तरफ से कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं, ऐसा किया ही नहीं किसी की। तो अंकल आज इतनी फीस हो गई है घोड़ों की कि आदमी को लोन लेना पड़ता है बैंक से, तो क्या कहना चाहोगे? यानी इतनी घोड़ों की फीस जायज है आपके हिसाब से? नहीं, अब जो अच्छे ब्रीडर हैं वो तो अपनी इस बात को जी अच्छी हैं घोड़ी मेट होंगी, मैं इस बात को नहीं मानता जी। फीस थोड़ी तो ऐसे होनी चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं ना भी घोड़ी ने बच्चा भी अच्छा ही देना है। आम आदमी का भी दिल करता है भी मैं उससे घोड़ी अब मेट करवा लूँ, भी काले कांटे से करवा लूँ, दिलबाग से करा लूँ या किसी और से करवा लूँ। फीस थोड़ी वाजिब होनी चाहिए, वाजिब होनी चाहिए, रेंज में होनी चाहिए थोड़ी। तो भाई साहब आज जो घोड़ा मजार आप देखते हो, जैसे कि 10 साल से आप इस मार्केट के अंदर हो, 10 साल पहले और आज में क्या सबसे बड़ा फर्क देखते हो घोड़ा मार्केट में? फर्क तो एक बात ये है, जो नए आदमी उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि बच्चा किससे ले रहे। हाँ, बच्चा किससे लेना और हो क्या रहा है। तो क्या करे वो नया आदमी, अब उसका शौक भी पूरा करना है। आप क्या सलाह देना चाहोगे नए आदमी को? मैं तो नए आदमी को यही सलाह
देना चाहता हूँ भी कोई आदमी एकदम इसको बिजनेस समझ के इसमें ना आए, धीरे धीरे पहले इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के इस बिजनेस में ना आए, जब तक आपको अपने आप को जानकारी नहीं होगी, किसी के पास भी आप चले जाओ, कितना भी कोई अच्छा है, उसके मन में कुछ ना कुछ है चलता है भी, जब मैं अपनी घोड़ी दे दूँ या इसको कुछ किसी के पास से कुछ करवा दूँ। और वैसे भी घोड़े वालों के लिए अपना घोड़ा अच्छा रहता है, दूसरे का खराब रहता है, चाहे दूसरे के पास में इंडिया का सुपरस्टार क्यों ना हो। हाँ, पक्की बात है, है ना, क्योंकि घोड़े वालों के कमी निकालनी चाहे उसी घोड़े पे घोड़ी मैट करवाने के लिए लेके जाएंगे, हाँ जी, पर उस घोड़े में कमी जरूर निकालेंगे, कमी जरूर निकालेंगे, पक्की बात है। तो भाई साहब, आपने बहुत अच्छे अच्छे घोड़े पैदा किए और हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये बच्चा भी आपका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नाम करे। भाई साहब, इसका नाम और बताना एक बार। इसका नाम गुफ्ताब। गुफ्ताब और काले कांटे का बच्चा। काले कांटे का बच्चा, माँ इसकी नजमा। ओके, और इसकी भाई साहब कवरिंग चालू कर दी है? कवरिंग इसकी चालू कर दी। क्या फीस वगैरह क्या रखी है इसकी? 21,000 रुपये फीस रखी है। 21,000 रुपये। अभी कुछ घोड़िया मैट कराई है इससे? इससे 6-7 घोड़ी मिलवा दी, अभी बच्चा ही है ना, अभी जान पहचान में 5-7 घोड़ियों पे खुला है। अच्छा, 6-7 घोड़िया मैट हो गई। हाँ। ओके, थैंक यू भाई।